क्या कहना चाहेंगे किसानों की आड़ में यह सरकार कारपोरेट घरानों को कृषि फार्मिंग करने की छूट दे रही है। केंद्र सरकार ने हाल के दिनों में जो किसानों के लिए बिल लाया वो किसानों के लिए बिल है ही नहीं है, बल्कि किसानों को बर्बाद करने के साथ साथ आम जनता को भी बर्बाद करने वाला बिल है। कारपोरेट घरानों की सहूलियत के हिसाब से इस बिल को बनाया गया है। अडानी और अंबानी के इशारे पर ये तीन बिल बनाए गए, जिसमें कालाबाजारी रोकने के अधिनियम को खत्म किया गया, आवश्यक वस्तु अधिनियम को खत्म किया गया, इसमें मंडी व्यवस्था को खत्म किया गया, ध्वस्त किया गया, ताकि बड़े कारपोरेट घराने किसानों के सामान को औने पौने दाम पर खरीद कर अपने गोडाउनों में कैद करके अपने हिसाब से बेचें। यह तो काला कानून अंग्रेजों के जमाने जैसा लगता है। और जब किसान उठ खड़ा होता है तो किसानों के ऊपर लाठी, डंडे, आंसू के गोले और पथराव सरकार करती है, पानी छोड़ती है, मारती है, डंडा पीटती है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के लोग किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जब तक इस बिल को हम लोग समाप्त नहीं कर लेंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। आज किसानों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग हंस रहे हैं। आज भाजपा किसानों के साथ नहीं खड़ी है, आज भाजपा को जो चंदा दे रहे हैं कारपोरेट घराने उनके साथ खड़ी है। इसलिए हम लोग पूरे देश के जो नागरिक हैं किसानों के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं। और जिस दिन किसान जग जाएगा, जिस दिन आम जनता को इस बात का पता चलेगा, उसी दिन सड़क से लेकर सदन तक लोगों का हुजूम उमड़ेगा और इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा।